आज कहाँ चले गए ये? किचन में भी नहीं है, इस रूम में देखती हूँ, शायद इस रूम में होंगे, पता नहीं कहाँ चले गए आज। अरे तुम यहाँ बैठो। अरे क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। सुनो मैं मार्केट जा रही हूँ, वंश का ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा ठीक है, जाओ। अरे आकाश तू आया? मैं और ठीक है। अंदर आ। आकाश बैठ यार। और सुनो मेरे भाई। और बता अमित क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, तुझे तो पता ही प्राइवेट जॉब का, आज यहाँ तो कल वहाँ। आज मैं काशीपुर में जॉब कर रहा था, अब बॉस ने मेरा ट्रांसफर बिजनौर में लगा दिया है। अब सोच रहा है फैमिली को भी अपने साथ ले जाऊं, और एक रूम की तलाश है। अगर तेरी नज़र में कोई रूम है तो मुझे पता, मैं भी बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। अच्छा ये तो खुशी की बात है, तेरा ट्रांसफर बिजनौर में हुआ है। चल मैं बिजनौर में जानकारी है, मैं तेरा रूम का बंदोबस्त कराता हूँ। ठीक है। और अमित भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है वो? तेरी भाभी मार्केट गई है। अच्छा बस आती हूँ। चल तो फिर मैं चलता हूँ, करता हूँ तेरे रूम का बंदोबस्त। ठीक है ठीक है। अरे आ गए तुम यहाँ लेटे हो, अरवंश कहाँ है? बस तो यहीं खेल रहा था, शायद हो सकता बच्चों के साथ कहीं बाहर चला गया हो खेलने। अच्छा सुनो। हाँ? आकाश आया था। आपका दोस्त? हाँ मेरा दोस्त, वो बिजनौर में एक रूम बता रहा है। हाँ? हम वहीं पे रहेंगे और वहीं पे शिफ्टिंग होगी हमारी। ठीक है। और वहीं पे साथ में रहेंगे हम फैमिली में। ठीक है। अरे बेटा बड़े दिनों में दिखाई दिए तुम। बस आंटी ये काम में उलझे रहता हूँ, ये मेरा दोस्त अमित है जो आपका मकान खाली रेंट के लिए है। हाँ। आओ बेटा बैठो। आकाश बैठ। और बस बड़े आंटी ये मेरा दोस्त है अमित, ये काशीपुर से है, इसका ट्रांसफर बिजनौर हुआ है, मुझे पता लगा है आपका रूम रेंट के लिए खाली है, वो आप दिखा दीजिए। एक रूम हमारा खाली है, काफी समय से बंद है। अच्छा चलो मैं रूम दिखा देती हूँ। चलो दिखा। और शाम को मैं इसके अंकल से बात करके तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। बस वंश बेटा तू थोड़ी देर पढ़ाई कर ले, मैं आराम कर लेती हूँ। ठीक है। प्रगति। अरे आ गए आप। हाँ वो फोन आ चुका है और हमें निकलना है। देखा है? हाँ मैं देख आया हूँ, हमें निकलना है अभी बिजनौर के लिए। अभी? हाँ जल्दी से फटाफट रेडी हो जाओ। ठीक है। वंश बेटा जल्दी जल्दी ये बुक बंद करो, हमें जल्दी आज ही निकल रहा है। मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? हमने वो आपके पापा ने एक रूम देखा है तो हम वहीं रहने जा रहे हैं, वहीं रहेंगे हम बिजनौर। अच्छा। चलो वंश बेटा जल्दी।
अच्छा है। मम्मी हम यहीं आ रहे हैं। हाँ बेटा अब हम यहीं रहेंगे। ये तो बहुत सुंदर घर है। हाँ ये बहुत सुंदर। अच्छा थैंक यू काशा। कोई नहीं अमित ये मेरा फर्ज था, कुछ बात होती है बता देना। ठीक है अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है भाभी अपना सामान रखो, पैसो और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मुझे बता। ठीक है ठीक है धन्यवाद। चल ठीक है प्रगति मैं नहा के आता हूँ और तुम फटाफट बढ़िया सा नाश्ता बना दो। ठीक है आप नहा आइए मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ठीक है ठीक है आप वहाँ बैठ जाओ वंश। ये लीजिए आपका नाश्ता। अच्छा प्रगति मैं चल रहा हूँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है ठीक है बेटा लेकिन आराम से जाना क्योंकि अभी हम यहाँ पर नए नए आए हैं ना। ठीक है ठीक है आराम से जाना। कुछ नहीं बेटा आप बहुत देर से छत पर खेल रहे हो ना, रात हो गई है अब हम नीचे चलते हैं। अच्छा ठीक है प्रगति वास्तविक रूप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम सो जाओ तुम सो जाओ सो जाओ। अमित 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 देखो ये किसकी रिंग है, मेरी तो नहीं है। हो सकता है मगर मालिक की बेटी की हो। अच्छा उनसे पूछ के उन्हें दे देंगे। ठीक है ठीक है
चामुंडा पिछे नमः। ओम से हिंग क्लिंग चामुंडा पिछे नमः स्वाहा। ओम से हिंग क्लिंग चामुंडा पिछे नमः स्वाहा। कौन बच्चा? बा मैं आपके पास बहुत उम्मीदों से आई हूँ। मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? जब से मैं अपने किराए के रूम में आई हूँ वहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा ही दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से मैं आपके पास आई हूँ। तेरा और तेरे पति का क्या नाम है? मेरा नाम प्रगति है, मेरे पति का नाम अमित है। अच्छा जी बाबा। बाबा को इसके लिए ध्यान में जाना पड़ेगा। बाबा तेरे घर में घूम कर आ गए हैं। तुझे परसों अमावस्या की रात यहाँ आना पड़ेगा, फिर तब मैं बताऊंगा कि तेरे घर में क्या परेशानी है। जी बाबा। बाबा मैं आऊंगी। ठीक है बच्चा, अब तुम जा सकते हो। जल्दी जाओ। प्रगति, आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। क्यों? आज मैं आराम करूंगा और आज तबीयत भी ठीक सी नहीं लग रही है। जाओ तुम अपना काम कर लो। ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में बुरी आत्मा का साया है। कल वंश भी डर गया, कल रात उसने मुझ पर भी हमला किया है। अब हमें लगता है कि इस घर को खाली कर देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रगति, ये तुम्हारा वहम है। नहीं अमित, वो तुम्हारा वहम होगा, मेरा वहम नहीं है, क्योंकि मैंने उसे देखा है। कैसी बात करती हो प्रगति, तुम जाओ प्लीज। सही कह रही थी, इस घर में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। प्रगति, 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 उठो प्रगति। अरे क्या हुआ? तुम्हारा कहना सही था प्रगति, जिसकी तुम बात कर रही थी ना वो मुझे भी दिखाई दी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो तुमसे पहले कह रही थी, लेकिन तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। मैं कल तुम्हें बाबा के पास लेके चलूंगी। ठीक है प्रगति, कल तुम मुझे बाबा के पास लेके चलना। आज तो वो मुझे भी दिखाई दी है। आखिर ये है कौन, ये हमें क्यों परेशान कर रही है? इस चीज का समाधान हम बाबा के पास जाके निकालेंगे। अब रात बहुत हो चुकी है, अब जाके तुम सो जाओ। बाबा अब मैं आ गई हूँ
और मैं अपने साथ अपने पति को भी लाई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है जो मेरे घर को और मुझे परेशान कर रही है, मेरा क्या कसूर है। अच्छा देखता हूँ अभी। ओम त्र्यंबकम निदा महेश गंधि पुष्टि वर्धनम, ओम त्र्यंबकम निदा महेश गंधि पुष्टि वर्धनम, ओम त्र्यंबकम निदा महेश गंधि पुष्टि वर्धनम, ओम त्र्यंबकम निदा महेश गंधि पुष्टि वर्धनम। दंडालिनी पिशाचिनी, मुझे पता है तू मेरे आसपास ही घूम रही है, तुझे यहाँ आना पड़ेगा, तुझे यहाँ आना पड़ेगा। आ, आ। बाबा तू बहुत गलत कर रहा है मेरे साथ, मेरे साथ। बाबा शांत शांत, तू जानता ही क्या है मेरे बारे में। बाबा जानता है गलती किसकी है। तू नहीं जानता, नहीं जानता ने मेरे साथ किया था आज से 10 साल पहले। जब तू आ ही गई है तो मैं तेरे मुंह से उगलवाना चाहता हूँ कि गलती किसकी है। अगर तू जान नहीं जानना चाहता। सुन यार, लेट हो गई मैं। अरे बेटा कहाँ जा रही हो। अरे मम्मी मेरे को जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। जल्दी है ऐसे भी क्या जल्दी, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे पार्टिसिपेट करनी है, करनी मैं जा रही हूँ। बाय। ठीक है मम्मी गेट लगा लो, मैं चलती हूँ। अमित क्या यार इतनी देर कौन करता है। अमित मैं क्या बताऊँ, मम्मी से बोल के आई हूँ कि दोस्तों के साथ पार्टी करूंगी और तुम बोल रहे हो लेट हो गई। ओहो, एक तुम्हारी मम्मी और एक तुम। चलो बैठो। चलती हूँ, मम्मी वेट कर रही होंगी, बहुत लेट हो गई। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। क्या यार खुशी हमेशा से लेट। अमित हम ऐसे कब तक मिलते रहेंगे छुप छुप कर। कल आप मुझे पार्क में बुलाओगे, फिर कहीं और हम घूमने जाएंगे, ऐसे अच्छा भी तो नहीं लगता ना। और वैसे भी मैं तो अपने माँ बापों की इकलौती बेटी हूँ। अब अगर मैं अपने मम्मी पापा को बोलूंगी कि मेरे को उस लड़के से शादी करनी है तो वो कभी मना नहीं करेंगे। आप एक काम करो मेरे घर चलो आज, मैं डायरेक्ट बात करा देती हूँ। अरे खुशी तो तुम्हें पता ही है कि अभी हमारे खेलने कूदने की उम्र है और तुम शादी की बात कर रही हो, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपके मम्मी पापा से मिलूंगा, है ना। अमित चलो ना, मैं आपको अपना घर भी दिखा देती। प्लीज खुशी अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम्हें नहीं पता मैं कितना बिजी रहता हूँ। बस ये वक्त जो निकाल रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए निकाल रहा हूँ, यूँ समझ लो। ठीक है अमित, फिर मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी। आप मेरे से उस दिन मिलोगे जिस दिन आप मेरे से शादी के लिए हाँ करोगे, बस फाइनली बाय। लेकिन खुशी मेरी बात तो सुनो। प्लीज
प्लीज खुशी फोन उठाओ यार। हेलो, क्या हुआ खुशी यार, तुम तो मुझसे नाराज होके चली गई। मैंने तो ऐसा कुछ बात भी नहीं कही जो तुम मुझसे नाराज हो गई इतना। मैंने बोला ना मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। और रही शादी की बात, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था बेबी। अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की ना, देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज कल तुम मेरे से मिलने आओ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में तुम मेरे से शादी करोगे? हाँ, तुम मुझसे मिलने आओ कल, शादी करूंगा मैं तुझसे। अमित, तुम्हें पता है तुमने शादी के लिए हाँ करके ना मुझे बहुत खुशी दी है। हाँ खुशी, अब चलो ना चलते हैं और शादी कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ये खुशियाँ मनाना ये सब कोई जरूरी थोड़ी होता है। प्यार में अगर हम लोग मंदिर में शादी कर लेंगे कोई बात नहीं, और पापा मम्मी तो मेरे मान ही जाएंगे, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, है ना, बाद में बता देंगे। खुशी हाँ? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था और वो घर पर रखा है, क्यों ना उस गिफ्ट को मैं तुम्हें घर पे जाकर दूं, तो चले? चलो ठीक है, आओ खुशी। आओ खुशी, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँ। नहीं कोई बात नहीं, आप बैठो। ठीक है खुशी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँ। शादी करेंगे ना, तुम ही तो कह रही थी हम शादी करेंगे। हाँ, अमित मेरा सर घूम रहा है। तूने क्या सोचा था कि मैं तुझसे शादी करूंगा? मुझे तो बस तुझे रास्ते से हटाना था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जिंदगी में ऐशो आराम करना चाहता हूं। लगता है मर गई, अभी तो सब देख लेंगे क्योंकि अभी दिन निकल रहा है, रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। इस लाश को ठिकाने के लिए कुछ ना कुछ करता हूं। मुझे तो बख्श दो, इसमें मेरी क्या गलती है जो तुम्हारे साथ हुआ, मुझे उस बात का भी बहुत दुख है, पर मुझे और मेरे परिवार को बख्श दो। गलत तो मेरे साथ मेरी हुआ है, इसने मेरे साथ इतना गलत किया है, मेरे को इसने मोदी ने होता दिया था, तू कहती है मैं इसको बख्श दूँ, मुझे माफ कर दो खुशी। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया और मैंने अपनी अय्याशी और तुम्हारी प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम्हें मार दिया, लेकिन अब मेरे पास मेरी बीवी और मेरा बच्चा है, चाहो तो मुझे तुम जो भी सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। इसकी वजह से आज मैं तुझे छोड़ देती हूँ, और मेरा एक ही मकसद था इस धरती पर रहने का, तेरे लेना था, बस मैं अब जा रही हूँ।